हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दीपसावन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मूली का साग बनाने की रेसिपी दिखाऊंगी, ठीक है? तो थोड़ी देर में मिलते हैं मेरे साथ, मूली का साग कैसे मैं कट करूंगी और इसे कैसे बनाऊंगी ये दिखाने के लिए। तो ये है मूली का साग, देख लीजिए, ये सारा है मूली का साग, ठीक है? मैं इसे कट करूंगी, अभी इससे कट करूंगी। इसे आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं इसे हसवा बैठी बोलती हूँ, बहुत लोग इसे कुछ कुछ और भी बोलते हैं नाम, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताएं और मैं इसे कट करके उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये साग कट हो गया है, ये जो है मूली का साग मैंने कट कर लिया है। अच्छे से देख लीजिए आप लोग कैसे मैंने कट किया, एकदम महीन महीन, ठीक है? तो आप लोग इसे जैसा मन चाहे वैसा कर सकते हैं कटिंग। और ये मैं अभी इसे धो लूंगी, ठीक है? ये थोड़ा गंदा ज्यादा रहता है तो इसीलिए इसे 5-6 बार तो कम से कम धोना ही होगा। तो मैं इसे धो के फिर आपको दिखाती हूँ। कढ़ाई ले लिया है, ठीक है? और ये है साग जिसे मैंने धो के रखा है, और ये छोलनी और वो थाली, और ये दो मैंने कच्चा मिर्च इसमें फोरन दूंगी उसके लिए रखी हूँ। ये थोड़ा सा पचफोरन मैं भी उसमें भी फोरन दूंगी। तो मैं पहले गैस जला लेती हूँ। मैंने गैस जला लिया है और इसे कम हीट कर देती हूँ। तो कढ़ाई गर्म हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दे रही हूँ, इतना ही काफी है, लगभग 2 टीस्पून। तो ये भी थोड़ा गर्म हो जाए पहले अच्छे से, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून पचफोरन वो डाल देती हूँ। जिसमें पचफोरन मैं उसे ही कहती हूँ जिसमें कि जीरा, सौंफ, मंगरेला, जमाइन और मेथी होता है, और सरसों होता है जिसे आप लोग राई भी कहते हैं, ठीक है? तो मैं इसमें डाल देती हूँ, ये गर्म हो गया है। और ये जो मैंने 2 मिर्ची को काट के रखा था वो भी डाल देती हूँ। पहले ये चटक जाए फिर मैं इसमें साग डालूंगी। तो ये अच्छे से चटक गया है, अब मैं इसमें साग डाल देती हूँ। और मैं अब मैं इसमें 2 चुटकी हल्दी डाल देती हूँ। बहुत लोग इसमें हल्दी नहीं भी डालते हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी सब्जी वगैरह में हल्दी ना पड़े तो। और ये 1/2 टीस्पून नमक, अब मैं इसे मिला के और ढक देती हूँ। मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है, ठीक है? अब मैं इसे थोड़ा सा ढक देती हूँ इसमें 10-15 मिनट के लिए। और गैस का हीट को एकदम मीडियम कर देती हूँ, एकदम सीम, ठीक है? तो साग को एक बार मैं खोल के देख लेती हूँ कितना दूर हुआ है अभी, ठीक है? तो देखते हैं साग। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसे, क्योंकि मूली का साग को सीजने में थोड़ा टाइम लगता है, और नॉर्मली कोई भी साग के लिए इसे। तो फाइनली मेरा साग कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। ये देखिए मेरा साग हो गया है। तो अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। नमस्ते, क्या करें? मम्मी काट ऑरेंज को, इसको तोड़े पापा काट। तो आप लोगों को मेरा साग की रेसिपी कैसा लगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।